इतना लेट कब से फुदक रहा है यहाँ वहाँ और मास्क भी नहीं लगाया है, कोरोना हो जाएगा तो? डोंट वरी पापा, टेंशन मत लो, कोरोना तो चाइना का माल है, चाइना का माल तो ठीक ठाक ही कहाँ है। आपने नहीं पहचाना ना, तो कोरोना वायरस मुझे कैसे पहचानेगा? सात महीने से भाड़ा बाकी है, आज भाड़ा लेके ही जाऊंगा मैं। अरे बाहर निकलो, कहाँ है तुम्हारा आदमी? बाथरूम में छुपा तो नहीं है ना? हाँ निकालो उसको बाहर, सात महीने से भाड़ा बाकी है, कब देगी भाड़ा? हाँ ये भाड़े का नाम सुनते ही चक्कर आ गया तुमको, ये नहीं चलेगा। वो मुझे सब पता, मुझे कोरोना हुआ है, मुझे कोरोना हुआ है, मुझे कोरोना हुआ है, मुझे कोरोना हुआ है। थैंक यू कोरोना वायरस, तुम्हारे वजह से आज मेरे पैसे बच गए। तो दोस्तों ये तो एक मजाक था, लेकिन कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है, वो सच है। वक्त आ गया है हमें सतर्क होने का और ज्यादा सावधानी बरतने की। दोस्तों हमारे देश में अभी भी कई लोग इसे अफवाह मानते हैं और कई जगहों पर कोरोना का बुरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। अगर आप मजाक उड़ाएंगे कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस आपको मजाक बना के छोड़ देगा। ये तो खुशी की बात है कि भारत देश में दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी कोरोना वायरस कंट्रोल में है। हम एक नज़र उस आंकड़े पर डालते हैं कि आंकड़ा क्या कह रहा है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं आंकड़े। कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या का आंकड़ा अलग अलग देशों की। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे यूएसए की, तो यूएसए में पहले हफ्ते 2 लोग पाए गए कोरोना से ग्रसित लोग, दूसरे हफ्ते 105 और तीसरा हफ्ता 613 लोग। अब बात करना फ्रांस की, तो फ्रांस में पहले हफ्ते 12, दूसरे हफ्ते 191, तीसरे हफ्ते 653 और चौथे हफ्ते 4499। अब हम बात करेंगे ईरान की, तो ईरान में पहले हफ्ते 2, दूसरे हफ्ते 43, तीसरे हफ्ते 245, चौथे हफ्ते 4747, पाँचवें हफ्ते 12729। अब हम बात करेंगे इटली की, तो इटली में पहले हफ्ते 3 लोग, दूसरे हफ्ते 152, तीसरे हफ्ते 1036, चौथे हफ्ते 6382 और पांचवे हफ्ते 21157। अब बात करेंगे हम स्पेन की, तो स्पेन में पहले हफ्ते 8 और तीसरे हफ्ते 674, चौथे हफ्ते 6043। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में पहले हफ्ते कोरोना वायरस से ग्रसित 3 लोग पाए गए, दूसरे हफ्ते 24 लोग और तीसरे हफ्ते 105 लोग। इस आंकड़े से साफ जाहिर होता है कि हमारा इंडिया यानी कि हम अभी तक कोरोना वायरस पर दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छे से कंट्रोल करके रखे हैं। इसलिए दोस्तों अगले 2 सप्ताह भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि हम पर्याप्त सावधानी बरतते हैं और श्रृंखला को तोड़ते हैं तो हम कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा देश अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले कंट्रोल में है और इसी तरह से आगे भी और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी है और भी ज़्यादा सतर्कता से हमें काम लेना है। अभी भी हमारे देश में कई लोग मोदी को भी गाली दे रहे हैं, पीएम मोदी को, कि वो क्या कर रहा है, फालतू का काम कर रहा है, स्कूलें बंद करवा रहा है, कॉलेजेस बंद करवा रहा है, मार्केट बंद करवा रहा है, कर्फ्यू लगवा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस भीड़ की वजह से ज़्यादा फैलती है, इसलिए भीड़ की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको समझना है कि भीड़ से भीड़ की किसी भी भीड़ की श्रृंखला को तोड़ देने से क्या होता है, तो एक नज़र इस वीडियो पर डालिए। We'll be right back.
दोस्तों, आपने किसी भी भीड़ की श्रृंखला को तोड़ने से क्या होता है, कोई भी कड़ी जब टूटती है तो जो चीज़ बढ़ रही होती है, आगे की ओर फैल रही होती है, वहाँ वो स्टॉप हो जाती है। इसके लिए हमारे सरकार एक कदम उठा रही है कि सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस ये सब बंद करवा रही है, और इस बात के लिए भी सलाह दे रही है, आपसे विनती कर रही है कि पार्टियाँ अभी फिलहाल बंद कीजिए, हो सके तो शादियों को भी अभी पोस्टपोन कर दीजिए। जीवन रहेगा, जान रहेगा, तो हम शादी फिर भी कर सकते हैं, कभी और भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है, और एक किस तरह से अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो किस तरह से सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आपसे विनती है कि आप सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, कोरोना वायरस का कभी मजाक मत उड़ाइए, ये सच है, कोई मजाक नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। अगर आपने इसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा तो आप खुद एक मजाक बनकर रह जाएंगे। जय हिंद।